शिवसेना की ठाकरे परिवार के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर पांव रखेंगे, उनकी सारी गद्दारी जो है वो हवा हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। शिवसेना से दगा कर बागी हुए विधायकों के खिलाफ आवाज अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। शिवसेना जम्मू इकाई ने बागियों का विरोध करते हुए पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए शिवसेना जम्मू इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जम्मू के छतरी चौक पर मनीष साहनी के नेतृत्व में आई शिव सैनिकों ने कल साजिशकर्ताओं और शिवसेना के गद्दारों के खिलाफ जूतों का हार है, गद्दारों का इंतजार है, इस तरह के नारे बुलंद करते हुए जोरदार प्रदर्शन कर पुतले जलाए हैं। शिवसेना की ठाकरे परिवार के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो ऐसे सपने संजोए हुए हैं कि शायद शिवसेना उनके पास आएगी, उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। इसके बाद मुझे ये भी, मैं आज आपके माध्यम से पूरा विश्वास जताता हूं कि जो बागी विधायक हैं, गद्दारों को तो हम छोड़ देते हैं, जो बागी विधायक वहाँ पर जबरन अपहरण करके ले जाए गए हैं, किसी ना किसी प्रेशर में ले जाए गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियों का, उनका इस्तेमाल कर कर ले जाए गए हैं, वह मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही वो वंदनीय बाला साहब ठाकरे की धरती महाराष्ट्र मुंबई के अंदर पांव रखेंगे, उनकी सारी गद्दारी जो है वो हवा हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। इसके साथ ही मनीष साहनी ने यह भी कहा कि शिवसेना में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। शिवसेना के गद्दारों और साजिशकर्ताओं की तस्वीर साफ हो चुकी है। वहीं बागी विधायकों ने गुजरात एवं असम की धरती पर बैठकर जो फोटो शूट पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इन सभी साजिशों के पीछे भाजपा का पूरा खेल है। और वहां से इस तरीके से फोटो शूट दिखाया जा रहा है, और हमारे मुख्य गद्दार विधायक, उन्होंने जो है इशारा भी किया है कि इस तमाम खेल के पीछे एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो ये साबित करती है कि तमाम खेल के पीछे बीजेपी है। मेट्रो मुंबई के लिए ये थी रिपोर्ट ज्योति यादव की। इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई।